हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए फिर एक ब्राइडल हेयर स्टाइल आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो पहले आगे के बालों में क्रिम्बिंग कर लिया है, उसके बाद बीच के क्राउन एरिया के थोड़े से बालों को उठाया है और वहाँ पर स्टफ़ी लगाई। ये स्टफ़ी मैंने जो अपने पार्लर में बनाई है उसी को लगाई है। और अगर इसका वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो सीमा जेटली चैनल पर मैंने डाला हुआ है कि स्टफ़ी किस तरह से बनाए हैं, बम मैंने ये स्टफ़ी बम किस तरह से बना सकते हो। बहुत सिंपल है, इसका वीडियो पड़ा हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो सीमा जेटली चैनल पर जाकर के देख सकते हो। अब इसके बाद ये जो मैंने पफ लगा दिया है इसके ऊपर थोड़े से बाल लेकर के इस रूट कॉम से इस तरह से सेट करके स्टफ़ी को ढक देंगे। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। और आगे के बालों में क्रिम्प कर लो ना तो आपका जो स्टाइल है, हेयर स्टाइल, आप जो भी बनाना चाहते हो बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। अभी मैंने मांग टीका नहीं लगाया है, मांग टीका भी मैं बाद में लगा लूँगी। और गाइज़, मैं ऑनलाइन कोर्स कराती हूँ तो अगर आपको करना है तो आप दोनों चैनल मेरे सब्सक्राइब कर लो, सीमा जेटली, आलोक जेटली, तो आप वहाँ पर वीडियो देखते देखते आप सीख सकते हो। और मैं मंडे को लाइव भी आती हूँ सीमा जेटली चैनल पर, तो आपके कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ भी पूछ सकते हो। साथ में आप मुझको इंस्टा पे भी, आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टा पे मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टा की आईडी मेरी आपको ये दिख रही होगी, तो इंस्टा पे भी आपके जो कोई भी क्वेश्चन है आप मुझको फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हो। तो मैंने ये पफ बनाने के बाद, स्टफ़ी लगाने के बाद, अब जितने भी बाल बचे हैं इसकी छोटी सी पोनी बना लूँगी। इनके आप बाल देख सकते हो छोटे ही हैं, लेकिन जूड़ा तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसके लिए मैं फिर ये डोनेट का यूज़ करूँगी। डोनेट ले लिया है, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ही डोनेट लिया है। अब डोनेट के ऊपर मैं बालों को इस तरह से कवर कर लूँगी, बहुत सिंपल तरीका है। कवर करने के बाद मैं एक रबड़ बैंड से डोनेट को सेट कर दूँगी, जैसे डोनेट इधर उधर हिले ना। फिर आप क्या करेंगे, जो ये बाल हैं इनको इसी में घुमा देंगे जो एक्स्ट्रा बच गए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से घुमा करके फिर इसको जूड़ा पिन से, यू पिन से इसको सेट कर देंगे। जूड़ा पिन, यू पिन बड़ी वाली लो तो उससे ज़्यादा अच्छे से ग्रिप आ जाती है, सेटिंग आ जाती है, और जूड़ा आपका जल्दी खुलता भी नहीं है। तो बहुत ही इजी तरीका है। और आप सोचोगे इसमें नया क्या है, हाँ नया कुछ नहीं है, एज अ स्टाइल आपने काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन ब्राइड के इसी तरह से लगता है। और इसमें मैं आपको फ्लावर वगैरह की सेटिंग भी बताऊंगी, साथ में मैं चुन्नी भी बताऊंगी कि आप इनके चुन्नी किस तरह से सेट करो। तो ये इनकी जो मांग को क्लियर कर देंगे बीच की। और इनकी, इनका मेकअप लुक भी मैंने सीमा जेटली चैनल पर डाला है। इनकी शादी को एक ही दिन हुआ था और वो जो एट होम का मेकअप नहीं होता वो मेकअप मैंने इनका किया था, तो वो आप मेरे सीमा जेटली चैनल पर जा करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो अगर आपको इनका मेकअप लुक देखना है तो। और उसके बाद ये मांग टीके को सेट कर दिया है। अब शादी में जो इन्होंने तैयार हुई थी तो बीच की पार्टिंग हुई थी, मांग निकाली गई थी, तो अब मैं बीच की नहीं निकालूंगी, थोड़ा सा चेंज भी चाहिए। और इन्होंने लहंगे का लुक भी पिंक पिंक एंड चुन्नी है और ब्लू कलर का इनका लहंगा है तो वो पहना है, तो उस हिसाब से मैं इनका जो है मेकअप भी मैंने किया है। और ये देखो, और ले जो टीका जो भागता है ना, टीका ना भागे उसके लिए जो डबल टेप आता है ना वो मैंने लगाया है नीचे की तरफ, तो उससे ना जो टीका है इधर उधर भागता नहीं है। तो बिल्कुल आप डबल टेप ले लो, बहुत सस्ता ही आता है आपको स्टेशनरी की, जहाँ कापी किताब की दुकानें होती हैं वहाँ पर मिल जाएगा। उसको आप टीके के नीचे रख दो और एक सिरा माथे पे, तो डबल टेप करके मिल जाएगा, तो उससे आप साड़ी वगैरह में जो फॉल उठ जाती है, साड़ी पीछे से उठ जाती है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। उसका भी मैंने वीडियो डाला था कि कॉटन की साड़ी उठ जाती है तो उसको आप जो है ये वाला टेप लगा करके, और ये टेप नुकसान भी नहीं करता, मतलब आपका साड़ी वगैरह ख़राब भी नहीं होगी और यहाँ पर भी आपकी स्किन पर भी कुछ ऐसा नुकसान नहीं करेगा। छोटा सा टुकड़ा आपको लगाना है जहाँ पर टीका आपको सेट करना है, बस वहीं पर लगा दो। फिर मैंने आगे के बालों को इस तरह से थोड़ा सा कर्व दिया है और बस ये मेरे पार्लर की गर्ल्स बना रही हैं जूड़ा, और बस ये थोड़ा सा ये लट निकाल दी है और इसमें कर्ल्स बाद में कर दिए थे कि थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल ऐसा ना लगे चेहरा। और ये एक ही बार में मोड़ के बस सेट कर दिया है। क्रिम्पिंग है तो अच्छा लगता है, क्रिम्पिंग से थोड़ा घना घना सा बाल लगने लगता है। और बाकी जो बचे बाल है उसको जूड़े में हम सेट कर देंगे। तो सिंपल सा है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। स्टफ़ी मैंने खुद बना ली थी तो इस सब का आपका ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आएगा, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। और आप देखोगे तो शायद ही अभी तक जो हेयर स्प्रे भी यूज़ हुआ है, हेयर स्प्रे का भी यूज़ ज़्यादा नहीं होता है,
तो ऐसे अगर आपसे कोई जुड़ा बनाता है तो बहुत इजी वे में आप ब्राइड के तो बनाओ बनाओ, और सिंपल अगर आपसे कोई शादी वगैरह में बनवाता है तो बना सकते हो इसका। आप एरिया में जो चार्ज है उस हिसाब से 200, 250, 300 जैसा भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। हाँ, वो पीछे मैंने लगाया है डोनेट, तो डोनेट आपको अपना हिसाब से ले लो। 80 रुपये का डोनेट आता है, 30 का आता है, तो आप उसका अलग से चार्ज ले लो, बाकी जुड़े का है तो आपका सस्ता पड़ जाएगा और ज़्यादा जो है क्लाइंट्स को भी सही लगेगा रेट। तो आपके एरिया के हिसाब से वो देख सकते हो, बाकी मैंने अपना बता दिया, आप लोग पूछते रहते हो रेट भी बता दो, तो अब मैं अपने वीडियोस में रेट भी बता दिया करूँगी जो मेरे पार्लर के हैं। बाकी आपके पार्लर के जो हों तो आप ले सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो बताया वही आप लोग, क्योंकि मेरा जो है पार्लर थोड़ा सा अंदर भी पड़ता है, तो मैं अपने पार्लर के हिसाब से, वैसे भी मैं अपने पार्लर में ज़्यादा रेट नहीं है मेरे पार्लर के, मैं मिनिमम ही लेती हूँ क्योंकि पुराना हो गया है तो काफ़ी समय से, तो वही सब लोग उतना ही कहेंगे अरे नहीं इतना इतना, तो खैर कोई बात नहीं, सब अपना अपना नेचर है, अपना अपना तरीका है बिजनेस का, तो मैं तो वैसे ही करती हूँ। तो ये इनका जुड़ा बन गया। अब इसमें गजरा सेट करेंगे, तो गजरा जो मंगाया था वो तो नहीं आया था, लेकिन सिंपल सा गजरा आया था, इसको फिर देर भी हो रही थी, मैंने फिर खोला नहीं पूरा, बस इसको जैसा था इसको इसी तरह से ऐसे मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि सर पे पल्लू भी रहेगा। लेकिन अभी देखो मैं इसको खूबसूरत सा बना रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं था, बस ये लड़ी थी और लड़ी को मैंने इसी तरह से सिंपल तरीके से इसको इस तरह से जुड़े पे रख दिया। अब फूल थे इनके पास 3, तो एक फूल तो मैंने जुड़े पे बीच में लगा दिया था और इसको यू पिन से, जुड़ा पिन से फूल को अंदर सेट कर दिया। हाँ ठीक है, ये बहुत इजी वे में सेट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, एक फूल कॉर्नर पे रख दूँगी, पहले मैंने एक के ऊपर एक रखे थे लेकिन वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इस तरह से रख दिया। हाँ मतलब लाइन से लगाए थे ऊपर नीचे, तो वो ठीक नहीं लगा, फिर मैंने इस तरह से लगा दिए, तो ये देखो ये ठीक लग रहा था मेरे को। और इसके बाद चुन्नी के लिए चुन्नी भी पहना देंगे, और सर से चुन्नी पहनानी थी, और बस इस तरह से देख लेंगे कि ज़्यादा जूड़ा ढीला ना लगे, कैसा लगे। और पहले मैंने पिन कम लगाई थी, अब इसके साथ मैं ठीक से पिन से इसको सेट कर दे रही हूँ। तो अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप मुझको फेसबुक इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, और मेरा दूसरा चैनल है सीमा जेटली का, तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब ये जूड़ा पिन यहाँ पर देखो, अब मैं इसीलिए चुन्नी बता रही हूँ कि इसको मैंने यू पिन से यहाँ पर लगा दूँगी, और ये जो स्टफ़ी लगाई थी ना उसी में लगाऊंगी, तो ये बिल्कुल चुन्नी दुल्हन की खुलेगी नहीं। आप चाहो तो एक सेफ्टी पिन से अंदर सेट कर सकते हो। और ये देखो बहुत जल्द अच्छे से, अगर आप साड़ी में भी घूंघट करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, और एक यहाँ पर पिन लगा देंगे शोल्डर पे, और जैसे कि चुन्नी बिल्कुल हिलना, क्योंकि इन एक ही चुन्नी थी, दो चुन्नी नहीं थी इनकी, एक ही चुन्नी से सेट करना था, तो इसलिए एक ही चुन्नी से मैंने सेट किया। और पीछे ब्लाउज़ में भी एक पिन लगा देंगे चुन्नी और ब्लाउज़ के, जैसे पीछे से भारीपन ना लगे, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया, अब ये फाइनल इनका लुक हो गया है, और एक कमर पे लगाती है। तो यहाँ पर पिन आप जब भी लगाओ थोड़ा अंदर से लगाओ, जैसे पिन विन दिखे ना, तो ये इनका फाइनल लुक है। इनका मेकअप लुक देखना है तो आप सीमा जेटली पे जाकर के चैनल पर देख सकते हो, मैंने वीडियो डाला हुआ है, इनका HD मेकअप किया था। इस समय इनके फेस पे ब्राइटनेस ज़्यादा पड़ रही तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मेकअप देख लीजिएगा। और आपके जो भी सुझाव हों तो प्लीज़ अपने सुझाव देते रहा करो, उस हिसाब से मैं वीडियो डालूं। और उसमें मैंने हेयर कट के भी वीडियो डाला है आज सीमा जेटली पे, और उसमें मैं 3 बजे मंडे को लाइव आती हूँ, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।